मैं डिजिटल दुनैद, आपका अपना दोस्त। फ्रेंड्स, आज जो इस वीडियो का मौजू है वो है कि कैसे हम गूगल के जो सर्च रिज़ल्ट है वहाँ से अगर हम अपने जो बैकलिंक्स हैं उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट होती है तो उसके अननेसेसरी बैकलिंक्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ अननेचुरल बैकलिंक्स क्रिएट हो जाते हैं जिनको आप नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट का लिंक उन वेबसाइट पर होना चाहिए। तो गूगल से हमें उनको रिमूव करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो उन्हीं चीज़ों को आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें और आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती रहे रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए समझते हैं कि कैसे हम जो है अपने जो बैकलिंक्स हैं, अननेचुरल बैकलिंक्स या स्पैमी बैकलिंक्स हैं वेबसाइट के, उनको हम रिमूव कर सकते हैं गूगल के सर्च रिज़ल्ट पेज से। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो मेथड है ये आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे डिस्कस करते हुए, तो लेकिन आज मैं ये सीक्रेट मेथड आपके साथ शो करने जा रहा हूँ कि हम कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो बहुत से लोग कहते हैं जी गूगल सर्च कंसोल के थ्रू ये चीज़ हम रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए पहले हम गूगल सर्च कंसोल में चलते हैं, क्या वहाँ कोई ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपने बैकलिंक्स को रिमूव कर सकें। तो इसके लिए मैं गूगल सर्च कंसोल जो है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा गूगल सर्च कंसोल है, मैं अपनी आईडी से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये मेरा गूगल सर्च कंसोल है, तो यहाँ पर मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला है कि रिमूवल का ऑप्शन मिला है। फ्रेंड्स, तो ये जो रिमूवल का ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसमें जो ये न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं और इसमें आप यूआरएल दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना फ्रेंड्स, इसमें आप यूआरएल दे सकते हैं रिमूव करने के लिए गूगल सर्च रिजल्ट से सिर्फ अपनी वेबसाइट का यूआरएल, जो आपकी वेबसाइट है अगर आप उसका कोई पर्टिकुलर यूआरएल चाहते हैं कि वो हट जाए आपके गूगल सर्च रिजल्ट से, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूआरएल देना है किसी दूसरी साइट का, तो वो आप यहाँ से नहीं दे सकते इस ऑप्शन से। तो उसके लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, तो इसके लिए एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको कोई भी इस तरह प्रैक्टिकली नहीं दिखाएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, तो चलिए हम जानते हैं कैसे। उसके लिए आपने जाना है गूगल सर्च में, और फ्रेंड्स उसके लिए आपने सर्च करना है डिसएवो लिंक्स, डिसएवो लिंक्स। तो इसमें आपका फ्रेंड्स ये देखिए दो रिज़ल्ट आ गए, एक ये फर्स्ट वन वाला रिज़ल्ट है इसको आपने ओपन कर लेना है, और ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है डिसएवो टूल, ये आपने इसको ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसके बारे में ये बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इसके थ्रू जो है आप थर्ड पार्टी की यूआरएल से रिमूव कर सकते हैं गूगल के सर्च रिजल्ट पेजेस से। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए फ्रेंड्स हमें एक डिसएवो फाइल बनानी होगी जिसका एग्जांपल है ये। तो मेरे जो लिंक्स हैं जो मुझे रिमूव करने हैं वो ये लिंक्स हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइव लिंक्स हैं जिसको मुझे रिमूव करना है गूगल के सर्च रिजल्ट पेजेस से। तो इसमें हम लिख देते हैं इस तरीके से यहाँ पर हैश लगाकर के फाइव पेजेस, इस तरीके से जो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइव पेजेस टू डिस है वो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइव पेजेस टू डिस है वो। और फ्रेंड्स हमें कुछ डोमेन भी डिस है वो करने हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ से देखेंगे जो ये रिजल्ट्स निकला था यहाँ पर वन डोमेन टू डिस है वो, तो लेकिन हमारे पास कितने हैं फाइव डोमेन टू डिस है वो है फ्रेंड्स। तो मैं हम यहाँ लिख देते हैं फाइव डोमेन टू डिस है वो, लेकिन वो फाइव डोमेन कौन कौन से हैं फ्रेंड्स और उसको किस तरीके से लिखना है, तो आपने यही वाला जो है फॉर्मेट यूज़ करना है जिसे इसमें लिखा हुआ है। तो आपने लिखना है डोमेन स्लैश और उन डोमेन का नाम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डोमेन कॉलम,
और ये मेरे वो डोमेन है, तो मैं इनका यहाँ नाम लिख देता हूँ। आपने कुछ नहीं लेना HTTPS, कुछ नहीं लेना, सिर्फ डोमेन नेम यहाँ पर रहेगा इस तरीके से आपने लिख देना है। तो ये हमने यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है। देखते रहिए फ्रेंड्स किस तरीके से मैं चेंजेस कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ 5 टाइम्स लिख लिया, बट मैं यहाँ डोमेन नेम ये ऊपर से ले लेकर देता हूँ, ताकि मेरे जो भी बैकलिंक्स इन डोमेन पर बने हुए हैं, जितने भी बैकलिंक, वो सभी यहाँ से हट जाए फ्रेंड्स। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मैं ये सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने इसको सबमिट कर दिया, maps.google.com, www.google.com, maps.google.com और maps.google.com में पहला, फिर www.google.com में तीसरा है जी, CSC गूगल DE, फिर है maps.google.de, यहाँ पे है यहाँ पे मैप्स, मैं मैप्स कर देता हूँ जी इसको, maps.google.de, CSE.google.ee, उसके बाद www.google.de। तो ये हमारे 5 डिफरेंट डोमेन हो गए। आप देख सकते हैं कि पांचों ही डोमेन जो हैं डिफरेंट हैं। एक है maps.google.com, एक है www.google.com, एक है maps.google.de, CSE.google.de और www.google.de। तो हमने यहाँ 5 डोमेन लिख दिए, टुडे से वो, और 5 पेजेस टुडे से वो यहाँ पर हमने लिख दिए फ्रेंड्स। उसके बाद आपने जो है इस फाइल को सेव कर लेना है। ये एक TXT फाइल है, तो मैं इसको डिस एवो के नाम से ही, जैसे आप रोबोट डॉट TXT फाइल होती है ना सिंपल फाइल, उस तरीके से आपने डिस एवो के नाम से .txt फॉर्मेट में ही इसको सेव कर लेना है। मैंने अभी डेस्कटॉप पर सेव कर लिया, आप कहीं पर भी अपने कंप्यूटर के किसी भी पाथ पर इसको सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपने जाना है फिर से जो है उसमें, जो आपने ये लिंक खोला था डिस एवो टूल वाला, ये वाला लिंक, तो इसमें आपने वो वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है जिसके आपने लिंक डिस है वो करना है। तो मेरे इस आईडी पर ही बना हुआ है गूगल सर्च कंसोल, तो वहाँ से मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा, उस डोमेन को जिसके लिए मुझे ये फाइल जो है डिस है वो करनी है। अब ये आ रहा है अपलोड डिस है वो लिस्ट, तो इसमें आपने क्लिक कर देना है और वो जो फाइल है जो हमने अभी बनाई है उसको हमने यहाँ पर सबमिट कर देना है। यहाँ से मैंने पिक किया इसको और जी यहाँ हमने इसको सबमिट कर दिया और ये लिखा भी आ गया, 5 डोमेन एंड 5 URLs आर डिस अबाउट, अब अपलोडेड डिस एवो ऑन 7 अक्टूबर। तो हमने ये फाइल यहाँ पर जो है सबमिट कर दी है फ्रेंड। तो अगर आपने कैंसिल करना है तो आप कमांड को कैंसिल भी कर सकते हैं, डाउनलोड करना है तो आप इस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखने के लिए कि हमने क्या डाउनलोड किया है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया कि ताकि हमें पता चले हमने कौन कौन से लिंक जो है इसमें डिसेवो के लिए सबमिट किए थे, तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया फ्रेंड्स। तो ये जो डिसेवो टूल है ये एक तरह से होता तो फ्रेंड्स गूगल सर्च कंसोल का पार्ट ही है, बट आपको गूगल सर्च कंसोल का जो डैशबोर्ड है वहाँ से कहीं सर्च करने से नहीं मिलता है। आपको इस टूल तक पहुंचना है तो आपने लिखना होगा गूगल में, गूगल के सर्च बॉक्स में डिस एवो लिंक या डिस एवो टूल। तो डिस एवो लिंक लिखने के बाद आपको इस तरीके से 2 रिजल्ट आएंगे गूगल के, फर्स्ट 2 रिजल्ट। इसमें जो फर्स्ट रिजल्ट है इसमें किस तरीके से कमांड देनी है डिस एवो फाइल में ये मेंशन है, और सेकंड जो है वो आपका डिस एवो टूल ही है जहाँ पर आपको फाइल बनाकर अपलोड कर देनी है नोट पैड फॉर्मेट में, यानी कि .txt फॉर्मेट में आपने अपनी फाइल जो है सबमिट कर देनी है इसमें। बट आपने वो प्रॉपर्टी भी सेलेक्ट कर लेनी है जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने वो कमांड देनी है, क्योंकि आप वही प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें
जिस प्रॉपर्टी के लिए आप चाहते हैं बैकलिंक्स हटाना। ऐसा ना हो कि आप प्रॉपर्टी कोई इसमें दूसरी सेलेक्ट कर लें तो फिर वो एरर आ जाएगी फ्रेंड्स, आपकी डिसेबल फाइल जो है सबमिट नहीं होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही सीक्रेट था आज के इस वीडियो में, आपने जाना कि कैसे हम स्पैमी बैकलिंक्स को या नेचुरल बैकलिंक्स को या वो ऐसे बैकलिंक जहाँ पर हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट मेंशन हो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से फ्रेंड। तो गुड बाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा नॉलेज के साथ कोई वीडियो लेकर हाजिर होंगे हम।